in this question it is saying that from two places 60 km apart a and b starts towards each other at the same time and met after 6 hours had a travelled with 2 -third of his speed and b travelled with double of his speed they would have met after 5 hours the speed of a is two methods i am solve karenge method hoga by option by option which would विच विल बी फास्टर और जो एग्जाम में आपको यही ट्राई करना चाहिए ठीक है और दूसरा कॉन्सेप्चुअल मेथड सो लिट से फास्टर मेथड देखते हैं कैसे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे देखो ए और बी रिस्पेक्टिव प्लेसेस से दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहां से आप लॉजिकली ये बोल सकते हो कि कभी टेन और ट्वेल्व बी का स्पीड हो ही नहीं सकता और वो ना ही होगा स्पीड ए का पूछो क्यों टोटल जब दोनों ये चलते हैं तो एक बार मिलते हैं फाइव आवर्स में और एक बार सिक्स आवर्स में अगर नॉर्मल स्पीड से चले थे, तो 6 में मिलते हैं तो ऑब्वियस तो है? तो बात है अगर दोनों को ऐड करोगे तो, वो, तो वो कहीं सिक्सटी का डबल डिस्टेंस हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर थ्री और फोर तो हो ही नहीं सकता नाउ एक और क्लू है क्वेश्चन में और वो क्लू क्या है कि हैड ए ट्रेवल्ड टू बाई थर्ड ऑफ द स्पीड मतलब एक केस में ए का फुल स्पीड होगा और दूसरे केस में ए का टू होगा क्लियर है अब ऐसा डिस्टेंस एक अब ये हिंट दे रहा है चीख-चीख कर बोल रहा है कि जो ऑप्शन होगा सिक्स का उसमें थ्री एक फैक्टर होना चाहिए थ्री से वो डिविजिबल होना चाहिए नहीं तो ये सारे नंबर डेसिमल में आना शुरू हो जाएंगे जैसे अगर आप लेते हो एक आई स्पीड लेट से फोर ले लिया एक आई स्पीड तो इसका अगर आप टू बाई थर्ड निकालोगे तो टू बाई थर्ड इंटू फोर करोगे तो एट बाई थ्री आएगा सो तो so, यहाँ पे एट बाई थ्री को फाइव आवर्स में अगर आप ट्रेवल कराओगे तो ये कहीं ना कहीं डेसिमल में डिस्टेंस आ जाएगा तेसा सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऑप्शन के थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप ए का स्पीड सिक्स लोगे बच्चे तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थर्टी सिक्स और सिक्स आर में फोर के स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्वेंटी फोर तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है सिक्सटी के इक्वल है अब इसका स्पीड टू बाई थर्ड कर लो अब Six के स्पीड टू बाई थर्ड कर लो तो टू बात किलोमीटर पर आवर छो नो और इसको आप डबल डबल कर लो तो का कितना हो जाएगा एट अब दोनों का इफेक्टिव स्पीड कितना जाएगा ट्वेल्व और ये फाइव आवर्स में सिक्सटी ट्रेवल कर लेंगे सो so, हमारा एजेंशन क्या है करेक्ट है सो so, आंसर क्या होगा टू सो so, ये तो हमने देखा ऑप्शन के थ्रू कैसे सोल्व करते हैं अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू राइट right, बच्चों देखो मान लो कोई दो पॉइंट है एक्स और वाई एक्स पे ए स्टार्ट करता है किसी एक सर्टेन स्पीड से वाई की तरफ यानी यहां पे बी सिचुएटेड है और बी स्टार्ट करता है एक्स की तरफ यानी जहां पे ए है स्पीड गिवन नहीं है तो लेट से अज्यूम कर लो एस ए की स्पीड है और एस बी की स्पीड है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा एस ए प्लस एस बी और स्पीड इन टू टाइम यानी सिक्स आवर्स ये क्या देगा डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना है सिक्सटी किलोमीटर तो यहां से एस ए प्लस एस बी आपको मिल जाएगा बच्चों टेन किलोमीटर और ये क्या हो जाएगा पर आर यहां से सिक्स से टेन और आर को हमने नेक्स्ट साइड लिख लिया है तो ये आ गया इक्वेशन वन सेकेंड केस सेकेंड केस में क्या करा है ट्रेवल टू थर्ड ऑफ स्पीड तो अब एस की स्पीड क्या हो जाएगी टू बाई थर्ड एस एस को डबल कर दिया है तो ट्वाइस एस बी सेम केस है दोनों अपोजिट डिरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा एड तो आप क्या लिखोगे ट्वाइस एस ए बाई थ्री प्लस और अभी भी डिस्टेंस कितना होगा टू कॉमन ले लो यहां से टू कॉमन ले लो और फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या मिल जाएगा इफेक्टिवली ये टेन और टेन से इसको डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा सिक्स तो आप लिख सकते हो एस ए बाई थ्री प्लस एस बी इज इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे एस ए प्लस थ्राइस एस बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बच्चे ये किलोमीटर पर आवर अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है द स्पीड ऑफ ए इंप्लाई आप बी को एलिमिनेट कर दो तो ये रहा ऑप्शन तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा A, और क्या मिल जाएगा थ्राइस एस और आपको मिलेगा ये 30 किलोमीटर पर आवर हमने सिंपली इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है और आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो यहाँ से माइनस यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस ये दोनों कैंसिल तो माइनस ट्वाइस ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर सो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल टू से ये सिक्स तो एस ए का स्पीड कितना मिलेगा सिक्स किलोमीटर पर आर क्लियर है सो so, हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी